देखो तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, सरल रेखा पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन, उसमें चल रहा था दो रेखाओं के बीच बना कोण, टेन थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर एम वन माइनस एम टू अपॉन में वन प्लस एम वन एम टू, जो कि मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन अब इसके क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं काफी क्वेश्चन, तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन लगवाए थे, अब उसी क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए थे हम लोग के बच्चों? सेवन एग्जाम्पल हो गए थे बच्चों, तो उन्हीं एग्जाम्पलों के आगे चलते हैं बच्चों। एट नंबर एग्जाम्पल बोलो बच्चों। बोलो जो मूल बिंदु से ना, मूल बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस अंडर रूट थ्री वाई प्लस थ्री अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो, हाँ थ्री अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो से 60 डिग्री का कोण बनाती है, से 60 डिग्री का, मतलब रेखा के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, और वो कहाँ से जा रहा है बच्चों? जीरो कॉमा जीरो, जो मूल बिंदु दे रखा है। तो हम लोग प्रवणता चाहिए बच्चों, तो प्रवणता कैसे निकलेगी समझना ध्यान से, कैसे हम करते हैं बच्चों। अच्छा समीकरण सिंपल लिखा है, तो पहले इसे प्रवणता निकालो, एम बोलो फॉर्मूला बताओ बच्चों, कल बताया था माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक, वाई का गुणांक ठीक है, एक्स का गुणांक कितना है एक, ठीक है एम वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अब टेन थीटा इक्वल टू बोलो जो क्या होता है फॉर्मूला, मॉड के अंदर एम वन माइनस अपॉन में, ठीक है टेन थीटा, थीटा के अंदर रखा दो रेखाओं के बीच बना कोण, ये कितना है माइनस वन बाई रूट थ्री, और सेकेंड रेखा की प्रवणता में पता नहीं है, ठीक है मान लेते वो एम क्या क्या मान लेते हैं, माना दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी है बच्चों, एम है, कितनी है बच्चों यहां पे एम, थोड़ा सिंपल है लिखने में, वन प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री इंटू बोलो, सही है बच्चों बोलो, करेक्ट नहीं इसमें सॉल्व करना है बच्चों, टेन सिक्सटी की वैल्यू ऊपर ऐसे बोलो रूट थ्री माइनस वन माइनस, ध्यान देना सॉल्विंग पे, यहाँ पे एलसीएम रूट थ्री वन के पास जाएगा रूट थ्री माइनस एम, ठीक है बच्चों माइनस है सुनना है, रूट थ्री से रूट थ्री क्या जाएगा रूट थ्री इक्वल टू माइनस वन माइनस अपॉन में, ठीक है मॉड हटेगा तो यहाँ पे क्या आएंगे दो चिन्ह आएंगे प्लस माइनस, ठीक है तो हटाओ यहां से मॉड, तो यहां पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस, तो माइनस का वन माइनस का अपॉन में, तो पहले प्लस ले ले माइनस वन माइनस का रूट थ्री एम अपॉन में, पहले प्लस लिया तिरछा गुणा करो रूट थ्री का रूट थ्री में गुणा करो कितना जाएगा रूट थ्री का एम में करो इक्वल टू माइनस वन माइनस का, यहाँ पे एम तो एम कट जा रहा बच्चों कोई मान नहीं है एम का प्लस में कोई मान नहीं, देखो बच्चों कट जा रहा है यहाँ से एम का कोई मान नहीं प्लस में, माइनस लो जरा माइनस वन माइनस रूट थ्री एम अपॉन में तिरछा बड़ा करो इसका इसका तो माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस वन माइनस का रूट तीन एक तरफ करो रूट तीन एम प्लस माइनस वन प्लस थ्री ये कितना हो जाएगा तीन में एक गया एम बराबर टू अपॉन कितना आ गया वन अपॉन बोलो इतना आ गया बच्चों। अब समीकरण निकालना तो बच्चों हम लोग मूल बिंदु दे रखा था हम लोग को जीरो कॉमा जीरो और प्रवणता कितनी आ गई बच्चों वन बाई एक ही तो प्रवणता आई, कभी कभी दो आंसर आते हैं वैसे हम के लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर आया क्योंकि एक में जब प्लस लिया तो कोई मान नहीं निकला बच्चों, ठीक है तो वाई माइनस इक्वल टू में एम वाई माइनस वाई वन की बात करो जीरो है एम की वैल्यू बात करो तो वन बाई एक्स माइनस एक्स वन कितना है यहाँ भेज दो रूट थ्री वाई इक्वल टू, ठीक है इसमें आया क्या बच्चों आ गया ना ठीक।
चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा बोलो। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज जिसका एक कोण 30 डिग्री है। सिद्ध कीजिए इसका एक कोण 30 डिग्री है। एक त्रिभुज है इसका एक कोण बच्चों कितना डिग्री है, मान लेते हैं ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री। के सभी शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक नहीं हो सकते। सभी शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक नहीं हो सकते, बस ये देखो जो हम लोग को ये दो रेखाओं के बीच बना कोण दे रखा है। जैसे हमें दो रेखाओं के बीच बना कोण दे रखा है, जैसे मानो मान लिया ये 30 डिग्री है, तो ये पक्का जो होंगे ये जो दोनों कोण बचे होंगे वो 150 डिग्री होंगे। कितने होंगे 150 डिग्री होंगे, क्योंकि दोनों का सबका योग कितना होता है 180 होता है, तो ये 30 होता है कितना हो जाएगा 150। चलो देखो ध्यान से बच्चों, अब माना ए बी की प्रवणता कितनी है बच्चों बोलो, एम वन। माना ए सी की प्रवणता कितनी है बच्चों, एम टू। तो फॉर्मूला नहीं होता टेन थीटा इक्वल टू दो रेखाओं के बीच बना कोण बच्चों, एम वन माइनस अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। टेन बच्चों बोलो 30 टेन 30 का मान बच्चों मालूम है, वन बाई प्लस माइनस आएगा बच्चों बोलो, मॉडिटर्स क्या बच्चों आएगा नहीं आया इसमें, पहले क्या लेंगे प्लस ले लें, तिरछा गुणा रूट थ्री माइनस, ठीक है। तो अब देखो बच्चों अगर हम सबको एक तरफ कर ले, वन प्लस प्लस रूट थ्री एम टू माइनस रूट थ्री एम वन इक्वल टू जीरो। अब हम इसकी बात करें बच्चों हल की, अगर हम इसे हल करें, ऐसे हल तो अभी नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे दो दो अननोन राशि है बच्चों, ठीक है, एक एम वन है और एक क्या है बच्चों एम टू है। लेकिन इसके अंदर अगर हल करने की बात करें तो एम वन एम टू कुछ पक्का ऐसे होंगे जिससे कि ये जो रूट है वो हट जाए बच्चों, क्योंकि यहां पर भी m1 into m2 है बच्चों, यहां पे बोलो जी यहां पे क्या है m1 into m2 है, तो m1 और m2 के मान जो भी होंगे m1 तथा m2 के मान वो अपरिमेय संख्या होंगे। कैसे बच्चों देखो मैंने कहा m1 कुछ ऐसा होगा या m2 कुछ ऐसा होगा जिसके से रूट जो है वो हट जाए बच्चों, जैसे मान लो m1 की जगह मान लेते हैं दो रूट तीन है, m2 की जगह कुछ फाइव रूट तीन है, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि रूट यहां से क्या कर दे, क्यों क्यों बोलो क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अगर रूट हमें ऐसा मान रखना है कि यहां पे क्या आंसर आना चाहिए और जीरो तभी आएगा जब पहले ये हटेगा, बिल्कुल सिंपल सॉल्व होगा, क्योंकि यहां पर तो और तो रूट है नहीं यहां पे कहीं बच्चों, और सिंपल क्या लिखा है वन लिखा है, क्या लिखा है बच्चों वन, और वन तभी मतलब यहां पे इनका पूरे का आंसर कितना आना चाहिए बच्चों माइनस वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों इस पूरे का आंसर माइनस का वन, इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए बच्चों माइनस, और माइनस वन तभी आएगा जब यहां पर क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं, बोलो बच्चों अगर मान लो यहाँ पे दो रख दे बाई चांस, तो दो रूट तीन यहाँ को रख दे है ना, तो इसमें हल हो जाएगा, लेकिन ये फिर कहाँ जाएगा बच्चों, ये नहीं हल हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो गुणे में भी है, अगर ये ना होता बाई चांस ये, तो फिर ये कट जाते किसी प्रकार से तो काम बन जाता, लेकिन ये भी चीज है ना हम लोग भी देखना पड़ेगा, तो इसीलिए एम वन एम टू के मान क्या होंगे बच्चों बोलो अपरिमेय, अपरिमेय मतलब टू रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री फाइव रूट थ्री, मतलब रूट थ्री में कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से रूट थ्री ये हट जाए। एग्जाम्पल के रूप में मान लो एम टू मान लो रूट थ्री है, तो रूट थ्री से रूट थ्री गुणा करो कितना हो जाएगा, अब मान लो एम वन टू रूट थ्री है तो दो तीन छह आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ भी रखोगे तो रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री रखो नहीं करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा छह, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे, कुछ ऐसे मान होंगे जिसकी वजह से रूट जो है पूरे पूरे गायब हो जाए बच्चों,
ओके हो जाए बच्चों। तो इसीलिए M1 M2 क्या होंगे, पक्का है अपरिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय का मतलब है कि पूर्णांक नहीं हो सकते। और बाकी दो मान भी जो भी होंगे, क्योंकि इनके कोण भी जो भी बनेंगे बच्चों, कोण जो भी बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर दो कोण जो बन रहे हैं वो कितने बनेंगे बच्चों, यहाँ पे 150 बनेंगे। 150 मतलब दोनों का योग कितना होगा, 150 होगा। तो 100 जरूरी नहीं, 75 है ना, कुछ भी हो सकता है बच्चों 150। तो यहाँ पर भी जो, क्योंकि 30 यहाँ पर भी है, कहीं भी हो सकता है। तो अन्य जो दो कोण होंगे, अन्य जो दो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 150 अंश होगा। तो उसके लिए भी कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष है, वो पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक मतलब 1, 2, 5, 4, 3 ऐसे संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे होगा तो मेरा कोण 30 डिग्री होना संभव नहीं है, या 150 होना संभव नहीं है। हाँ, पूर्णांक को इंटीजर ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है। समझाया, पूर्णांक होगा मतलब पूर्णांक अगर होगा तो कोण 30 डिग्री बन ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि हमारे मान जो होते हैं 0 से लेके 90 से पहले तक वो √3 होता है, 45 का सिर्फ एक होता है, लेकिन यहाँ 45 दे रखा, कितना दे रखा बच्चों, 30 दे रखा बच्चों, 30 है, 60 है, इस प्रकार से। तो इसीलिए इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, कि जो भी यहाँ पर होगा वर्टेक्स वो क्या होना चाहिए बच्चों, बोलो ऐसे वर्टेक्स होने चाहिए जो कि किसमें होंगे, अपरिमेय में होंगे, या फिर ऐसे होने चाहिए जिनकी प्रवणताएं जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये जरूरी, क्योंकि प्रवणताएं अगर अपरिमेय में होंगे तो पक्का है कि पूर्णांक भी अपरिमेय में होंगे, क्योंकि हम लोग प्रवणता फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, एम इक्वल टू बच्चों मान लो 1, 2 है, 3, 4 है, तो क्या इसका आंसर कभी आएगा अपरिमेय, नहीं आएगा। तो कम से कम 1 तो √3 हो उसके अंदर बच्चों, तभी तो अपरिमेय संख्या आएगी बच्चों। तो इसीलिए बच्चों M1 M2 का अपरिमेय है, तो बिंदु भी क्या होंगे यहाँ पे, अपरिमेय होंगे, पूर्णांक नहीं हो सकते। तुम लोग क्या लिखोगे, M1 M2 कोई अपरिमेय संख्या होगी, अतः इसके क्या हो सकते, पूर्णांक नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। ऐसा आएगा बच्चों, चलो दो रेखाओं के बीच का कोण 5 पाई बटे 4 है। दो रेखाओं के बीच बना कोण कितना है, 5 पाई बटे 4 है। 4 है, 5 बटे 4 है, 5 नहीं है, हाँ। तथा दोनों में से एक रेखा परवर्तक दूसरी रेखा से परवर्तक, तो क्या ये कर नहीं पाओगे तुम लोग। tan थीटा इक्वल टू बोलो बच्चों फॉर्मूला, m1 माइनस का है अपॉन में 1 प्लस m1 tan पाई बटा 4 पाई अपॉन 4 कितना होता है प्रिंस, सॉरी 1/2 मान लिया, ये m2 है, चलो m2 मान लो, तो m मान लो चलो बच्चों, ठीक है, इसको m मान लेते बच्चों, ठीक है, 1/2 m2 इसका मान 1 होता है, लासा बोलो 2 प्लस एम प्लस माइनस, मैं प्लस माइनस क्यों आएगा भैया, आ गया 2 प्लस एम पहले प्लस 2 प्लस एम, अरे उधर भेजो 2 प्लस एम 1 प्लस 2 एम इसको 2 माइनस 2 है, अच्छा गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, 2 प्लस है, 2 प्लस m 1 माइनस 2 m 3 m प्लस 2 m 1 माइनस 2 3 m इक्वल्स टू माइनस 1 m इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3। पहला एक और आंसर आ सकता है बच्चों, माइनस 1 लो, माइनस 1 माइनस 2 m अपॉन 2 प्लस m माइनस टू माइनस का एम इक्वल्स टू 1 माइनस का 2 एम 1 माइनस का प्लस का 2, यहाँ बच्चे का एम और 3, तो एक 3 है माइनस 1 बाय 3, ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या, आ गया क्या,